हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सारे पैथोजेंस के बारे में पढ़ा है। आज हम एग्रीकल्चर के नई शाखा जिसको हम कहते हैं पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या चीज, पादप रोग विज्ञान इसमें किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है पादप रोग विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें कि इसकी खोज या सबसे पहले भारत में पादप रोगों के बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं ई जे बटलर ने सबसे पहले भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान के बारे में बताया, इसीलिए भारत का पादप रोग विज्ञान का जनक, भारत का ना ओनली आपको याद रखना है, भारत का पादप रोग विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, ई जे बटलर को। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है इसलिए आपको याद रखना है, ई जे बटलर को क्या कहा जाता है, भारत का पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले भारत में जो पादप रोगों के बारे में जो अध्ययन किया था वो ई जे बटलर के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा में, पादप रोग विज्ञान की परिभाषा है ना, क्या है परिभाषा इसकी। तो हम सबसे पहले पादप रोग विज्ञान कौन सी शाखाओं से रिलेटेड है, पादप के बारे में अध्ययन करें तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कृषि विज्ञान के बारे में, है ना। सेकेंड आती है हमारे वनस्पति विज्ञान, और क्या आती है जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम सीधा पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, हम यहाँ केवल साइंस की बात नहीं ले रहे हैं, हम किसके बारे में अध्ययन करें, पादप रोग विज्ञान। तो हम इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पादप रोगों का, पादप रोग का अध्ययन किया जाता है। तो पादप रोग के अध्ययन में क्या क्या अध्ययन किया जाता है, पादप रोग के कारणों, किस कारण से पादप रोग हुआ है, ठीक है, उनके लक्षणों, जो जिस कारण से हो रहा है, किस बैक्टीरिया के कारण हुआ है या किसके कारण हुआ है, उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, फिर उनके क्या सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे हैं, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में, उनके नियंत्रण के उपाय, ठीक है, तो कारणों, लक्षणों और नियंत्रण के और उपाय और रोगों से हुई हानि का अध्ययन किया जाता है। तो हम पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोग के कारणों, लक्षणों, रोगों से हुई हानि और नियंत्रण के उपाय के बारे में अध्ययन किया जाता है, हम उसे कहते हैं पादप रोग विज्ञान। एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इससे बहुत आते हैं, दो या तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो ये ई जे बटलर का नाम जो है ये आपको लर्न करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं, तो कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोग के कारणों, किस कारण से पादप में रोग हुआ है, पादप रोग होने के बाद लक्षण क्या है, उनके क्या सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्तक क्षय हुआ है या पौधा का पीलापन आ गया है, क्या हुआ है उनके लक्षणों के, फिर उनके आने से रोग से क्या हानि हुई है, कौन सा पार्ट नुकसान हुआ है जिसके कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, रोगों से हुई हानि के बारे में, और फिर हम उसकी हानि के बाद हम नियंत्रण के उपाय की कौन कौन से हम उपचार कर सकते हैं उनके साथ। देखो, हमने जब इंसेक्ट
पढ़े थे तो हमने उनके जैविक उपचार, शस्य उपचार, रासायनिक प्रबंधन देखे थे। तो यहाँ पर भी पादप रोग जो हो रहे हैं वो नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत। तो एक ही डेफिनेशन हो गई पादप रोग विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, या हम कहें पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोगों के कारणों, लक्षणों, उन रोगों से हुई हानि व नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। अब हम आते हैं इनकी शब्दावली में, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास शब्दावली, है ना। अब हम इस पादप रोग में किन किन चीजों को यूज करेंगे, तो सबसे पहला इसमें आता है रोग। रोग क्या चीज है, डिजीज क्या होती है, तो रोग क्या है, एक हानिकारक क्रिया है। रोग क्या है, एक हानिकारक क्रिया है जिसकी तीव्र उत्तेजना होती है। अगर उस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तीव्र उत्तेजना होती है तो क्या होता है कि उसके जिसके पीड़ा का अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, या पीड़ा उत्पन्न होती है। रोग एक हानिकारक क्रिया है जो तीव्र उत्तेजना पर, हानिकारक जो तीव्र उत्तेजना पर अत्यंत अधिक पीड़ा उत्पन्न करती है हम उसे क्या कहते हैं, रोग। ठीक है, सिंपल सा है, मलेरिया रोग हमें होता है हम क्या कहते हैं कि हमारे को तीव्र ज्वर आता है, बहुत तेज बुखार आ जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है, कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होती है। तो वो क्या है कि एक हानिकारक क्रिया जिसके कारण तीव्र उत्तेजना हुई और हमें अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ। तो प्लांट में भी यही चीज है, रोग एक ऐसी हानिकारक क्रिया है जिसकी तीव्र उत्तेजना पर अत्यंत या अत्यधिक तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं, रोग। ठीक है, हानिकारक क्रिया जिसकी तीव्र उत्तेजना पर पीड़ा का अनुभव, पीड़ा उत्पन्न होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है दूसरा हमारे पास प्रोसेस है रोगजनक। रोगजनक रोग को उत्पन्न करने वाले कारक, जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है, रोग को उत्पन्न करने वाले कारक या जीव, दोनों ही लिख सकते हैं, कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकता है जो रोग उत्पन्न करता है या कोई कारक भी हो सकता है जिसके कारण रोग उत्पन्न हुआ है। सूक्ष्म जीव तो बैक्टीरिया, फंजाई कुछ भी हो सकते हैं, कवक वगैरह, वायरस वगैरह कुछ भी सूक्ष्म जीव कारक, जैसे किसी पदार्थ की कमी हो गई तो उससे भी क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो रोग को उत्पन्न करने वाले कोई भी कारक या जीव क्या कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, परजीवी। परजीवी जो किसी दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता, अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है हम उसे क्या कहते हैं, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी। जो जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर, और वही क्या करता है, वृद्धि और गुणन करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा हमारी आंत्र के अंदर रहता है और अपना गुणन वही करता, अपनी वृद्धि वही करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, परजीवी हो गया। ठीक है, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना या और वहीं पर वृद्धि और गुणन करना क्या कहलाता है, कौन करता है, ये परजीवी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृत जीवी। मृत जीवी जो मृत कार्बनिक पदार्थों या सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं,
हम उन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी। कवक के लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, मृत जीवी, जो कहां से डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थों व सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, हम उन्हें मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परपोषी। परपोषी देखो यहाँ पर परजीवी जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं और वो दूसरे जिनसे ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी। जैसे अमीबा हमारे अंदर रह रहा है तो अमीबा क्या हुआ, परजीवी, लेकिन हमारे अंदर रह रहा है तो हम क्या हो गए, परपोषी, यानी परजीवी को आश्रय देने वाला, परजीवी को आश्रय देने वाला और उसकी वृद्धि करने वाला क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा एक ऐसा जीवित जीव जो दूसरे जीव को आश्रय देता है, ठीक है, और दूसरे जीव को अपना पोषण देता है, हम उसे क्या कहते हैं, परपोषी। नेक्स्ट आता है अतिवृद्धि। ये चार तुम्हें समझ में आए, इसके बाद में आगे के बातें पढ़ाती हूँ। हानिकारक क्रिया जो तीव्र उत्तेजना या पीड़ा उत्पन्न होना, उससे हम उसको हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। जो रोग को उत्पन्न करता है रोगजनक कहलाता है। जो दूसरे जीवित जीव से पोषण प्राप्त करता है परजीवी कहलाता है। जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है मृत जीवी कहलाता है। परजीवी को पोषण देने वाला या परजीवी को आश्रय देने वाला परपोषी कहलाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में इस तरह की परिभाषाएं आपके आ सकती है, इसलिए आपको इनको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है अतिवृद्धि, वृद्धि और अतिवर्धन। अतिवृद्धि और अतिवर्धन, देखो अतिवर्धन और अतिवृद्धि दोनों में अंतर एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको आना चाहिए, है ना। अतिवर्धन, कोई भी सेल जो है संख्या में बढ़ोतरी होती है, संख्या में बढ़ोतरी कैसे, किसी भी परजीवी परपोषी की कोशिकाएं, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म समझ ले, एक जीव समझ ले, किसी दूसरे जीव ने यहाँ अटैक कर दिया, किसी इसको रोग हुआ और इसकी सेल जो यहाँ पर चार थी, ये चार सेल कितनी हो गई, आठ या बारह या सोलह हो गई, यानी सेल की संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। यानी परपोषी के, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, अतिवर्धन कहलाता है। जबकि अतिवृद्धि क्या होता है कि ये कोई जीव है और इस जीव में किसी दूसरे परजीवी ने या किसी ने एंटर किया है, कारक रोगजनक ने एंटर किया, या एक सेल थी, ये सेल धीरे धीरे बड़ी होती गई, आकार में बड़ी हो गई और फूल गई ये जगह, तो हम उसे क्या कहेंगे, अतिवृद्धि, यानी कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी, कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी, उसको हम क्या कहेंगे, अतिवृद्धि। और अतिवर्धन, अगर परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो अतिवर्धन, और अगर उनके आकार में बढ़ोतरी होती है तो अतिवृद्धि। अब नेक्स्ट आता है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, जब मैंने फंजाई पढ़ाया था, कवक पढ़ाया था, तब अविकल्पी का अर्थ बताया था कि कोई विकल्प नहीं, यानी कोई ऑप्शन नहीं। परजीवी क्या, जब जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। वो जीवित जीव मिलेगा तभी ये जीवित रह पाएगा, बाकी नहीं रहेगा। ऐसे में उस परजीवी को क्या कहेंगे, अविकल्पी परजीवी। हम इसको किसमें, कृत्रिम माध्यम पर भी हम इसको संवर्धित नहीं कर सकते,
ठीक है। तो कृत्रिम माध्यम पर भी इनको संवर्धित नहीं किया जा सकता, केवल जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है और अपनी वृद्धि करता है। नेक्स्ट आता है उत्तक क्षय। सीधा एक ही चीज देखते हैं, उत्तकों का क्षय हो जाना, है ना। उत्तक का मतलब कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह, कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो जो परपोषी की कोशिकाएं हैं, परजीवी के आक्रमण के कारण क्या हो जाती है, यहाँ की कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक क्षय। क्षय का मतलब क्या हो जाता है, टूटना, है ना। क्षय का मतलब खत्म होना, तो यहाँ पर उत्तकों का क्षय हो जाना, नेक्रोसिस कहते हैं इसको। उत्तक क्षय यानी किसी परजीवी के आक्रमण के कारण उस परपोषी की कोशिकाएं क्या हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक क्षय कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं हरिमालीनता और दूसरा है पांडुरता। हरिमालीनता देखो इसमें भी डिफरेंस आता है, दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग किस तरह से, पांडुरता और हरिमालीनता। अगर किसी परजीवी के अटैक के कारण पौधे के जो हरे पार्ट है, हरे भाग, पौधे के जो हरे भाग है उनसे पर्ण हरित नष्ट हो जाता है, हरे भागों का पर्ण हरित नष्ट हो जाता है, और इस पर्ण हरित के नष्ट होने से पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हरिमाहीनता। पौधे हरिमहीनता का मतलब खत्म होना, और क्या खत्म होना, हरे भाग, हरे भाग के हरे भागों पर से अगर पर्ण हरित खत्म हो जाता है तो पौधा अगर पीला पड़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हरिमहीनता। और पांडुरता, पौधे में पांडुरता प्रकाश या अंधेरे में, ना प्रकाश के अभाव में, प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में क्या मिलता है, उनको प्रकाश नहीं मिल पाता, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अगर पौधा पीला पड़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पांडुरता। ये ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है, हरिमहीनता और पांडुरता। हरिमहीनता हरे भागों से पर्णहरित नष्ट हो जाता है जिसके कारण पौधा पीला पड़ जाता है, हरिमहीनता। और पांडुरता प्रकाश या प्रकाश की कमी या प्रकाश नहीं हो या अंधेरे में अगर पौधा पीला पड़ जाता है तो हम उसको, अंधेरे के कारण अगर पौधा पीला पड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं पांडुरता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके ट्रांसमिशन, है ना, संक्रमण। संक्रमण एक पौधा खेत में यहाँ लगा हुआ है, एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस पौधे पर किसी रोगजनक का अटैक हो गया, किसी रोगजनक ने यहाँ आक्रमण कर दिया, तो किसी के द्वारा अगर ये रोगजनक इस पौधे पर पहुंच गया या इस दूसरे पौधे पर पहुंच गया तो हम इसको क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, संचरण। संक्रमण नहीं, संचरण, है ना, संचरण। संक्रमण दूसरा है, संचरण की खेत में उपस्थित दो पौधे, एक पौधे के रोगजनक का दूसरे पौधे पर पहुंच जाना या एक रोगजनक का किसी दूसरे पौधे पर पहुंच जाना हम उसको क्या कहेंगे, संचरण, ठीक है। एक पौधे पर दूसरे पौधे के रोग, दूसरे एक रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया जैसे इस पौधे पर टमाटर का एक पौधा है, इस टमाटर के पौधे पर खराब हो गया, लेकिन इसका इसमें जो रोगजनक लग रहा है दूसरे पौधे पर लग गया, तीसरे पौधे पर लग गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण या संचरण, ठीक है। रोगजनक का
रोग जनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण, ये क्या कहलाएगा? संचरण। अब आता है संक्रमण। संक्रमण का मतलब था इन्फेक्शन। क्या होता है? जैसे कोई खांस रहा है तो उसके जीवाणु जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारे अंदर भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो परपोषी के अंदर, परपोषी में रोगजनक का प्रवेश होना या रोगजनक का आक्रमण भी कह सकते हैं हम, उसको क्या कहेंगे? इन्फेक्शन। या परपोषी में रोगजनक का आक्रमण या स्थापित होना, बाहर हम बाहर बहुत मच्छर है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, वो मच्छर हमारी बॉडी के अंदर चले गए, या कोई सूक्ष्म जीव है जो हमारी बॉडी के अंदर चला गया और हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर दिया, तो हमें क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन क्या है? कि परपोषी में रोगजनक का आक्रमण या उनका उसका स्थापित होना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाहक। जब एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण हो रहा, मैंने अभी बताया ये एक टमाटर का प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो यहाँ से बाहर जा रहा है, तो किसी के थ्रू ले जाया जा रहा है, तो जिसके थ्रू ले जाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वाहक। जैसे टमाटर का पर्ण कुंचन एक मक्खी द्वारा ले जाया जाता है, सफेद मक्खी होती है, तो वाहक क्या हो गई? वो सफेद मक्खी। एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मलेरिया का रोग, ठीक है, मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट हमारे शरीर में कौन एंटर कराता है? मच्छर, है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है हमारे अंदर एंटर कराती है, तो मैं यहाँ के जो मच्छर है वो क्या कर रहा है? वो उस रोग को हमारे अंदर डाल रहा है, तो मच्छर क्या हो गया? एक वाहक हो गया, ठीक है। तो वाहक क्या है? एक प्राणी, वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं वाहक, ठीक है। वाहक क्या हो गया? वह प्राणी जो रोगजनक को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाता है। तो हम क्या कहें? जैसे अभी मैंने बताया टमाटर का पर्ण कुंचन के लिए सफेद मक्खी क्या है? एक वाहक का काम करते हैं। मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है? एक वाहक का काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है निवेश द्रव्य। निवेश द्रव्य एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम जामन जो कहते हैं, जैसे दूध को दही, हमको दही बनाना होता है तो दूध में हम क्या डालते हैं? थोड़े से दही के बूंदे डालते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी जो निवेश द्रव्य की रोगजनक, निवेश द्रव्य में क्या है? रोगजनक है, तो रोगजनक का वह भाग जो क्या करता है? जो परपोषी के अंदर एंटर होता है या परपोषी के संपर्क में आता है और संक्रमण कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं? निवेश द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बता रही हूँ, देखो ये एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये हम मान लें कि ये एक फंजाई है ना, ये कवक है, कवक के ये क्या है? यूरिडोस्पोर्स है। थोड़े से यूरिडोस्पोर्स इसके ऊपर आक्रमण करके अगर इसके अंदर रोग फैला देते हैं और बहुत सारा फैला देते हैं, तो ये थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया? निवेश द्रव्य हो गया, ठीक है। तो रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है और क्या करता है? संक्रमण कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं? निवेश द्रव्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लक्षण। लक्षण, परपोषी कोशिका में रोगजनक के एंटर होने के बाद जब रोगजनक परपोषी के अंदर प्रवेश कर गया है और प्रवेश होने के बाद उसकी जो परपोषी की क्या है? लक्षण, परपोषी की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं में
परिवर्तन आ जाना, परिवर्तन आ जाना। अभी जस्ट एग्जांपल ले ले मलेरिया का ही, कि मलेरिया रोग जब हमारे अंदर एंटर हो जाता है और स्थापित हो जाता है, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, उनको तेज बुखार आता है, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये सब चीज क्या है, हाथ पैर बहुत कमजोर हमें फील होते हैं, तो ये क्या चीज है, ये क्या हमारे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। तो अगर रोगजनक के संक्रमण के बाद परपोषी की बाह्य आंतरिक क्रियाओं में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जैसे हरिमाहीनता। हरिमाहीनता क्या एक लक्षण है, कि कहीं न कुछ कुछ न कुछ ऐसा कारण हुआ जिसके कारण पर्णहरित क्या हो गया, नष्ट हो गया, जिसके कारण पौधा पीला पड़ गया। तो हरिमाहीनता, पौधे का पीला पड़ना, ये क्या है, एक लक्षण है। टमाटर का पर्णकुंचन, पर्णकुंचन का मतलब जो लीफ है वो क्या हो गई, सिकुड़ गई है। तो कुछ न कुछ उसके अंदर एंटर हुआ, तभी वो उस लीफ को उसने सिकोड़ दिया। तो ये क्या है, लक्षण, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये लक्षण, ठीक है। फिर आता है चिन्ह। परपोषी का जो जो भाग रोगग्रस्त हो गया है, परपोषी का रोगग्रस्त भाग पे हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, हमें कुछ निशान दिखाई देते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगग्रस्त भाग को हम क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, कि यहाँ पे ये हमें चिन्ह दिखाई दे रहे। वो भाग क्या कहलाते हैं, रोग के, जैसे धब्बा बन गया, स्पॉट बन गया है, पर्ण कुंचित हो गई है, ठीक है, या सफेद सफेद दाग बन गए, पाउडर जैसा आ गया है, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया है, ठीक है, मृदुरोमिलासिता हो गई, तो चूर्णीला चूर्ण चूर्ण आ गया, काला काला चूर्ण बाहर निकलने लग गया। तो ये क्या है, ये हमें वहां उस भाग से क्या चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एकांतर परपोषी। एकांतर परपोषी बहुत सारे ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका एक मेन परपोषी होता है, लेकिन वो अपनी अपना जो जीवन काल है उसमें कुछ टाइम के लिए वो किसी दूसरे पर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस पर वो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एकांतर परपोषी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम बताऊं कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस है ना, पक्सीनिया ग्रैमिनिस क्या है, एक कवक है। ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो कवक है ये किस पर रहती है, इसका मेन परपोषी कौन सा है, गेहूं, ठीक है। गेहूं पर ये यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर बनाती है, और मेन परपोषी इसका, लेकिन ये यहाँ पर ये जो एसिडियोस्पोर बनते हैं, एसिडियोस्पोर बनते हैं, वो इसमें एसिडियोस्पोर के लिए यहाँ पर एक और एकांतर परपोषी होता है, जिस पर ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस, वो है बारबेरी, ठीक है। तो बारबेरी क्या हो गया, एकांतर परपोषी, और गेहूं क्या हो गया, मुख्य परपोषी, ठीक है। दो अलग अलग जातियों के परपोषी, एक ही परपोषी पौधे में, वह पौधा जो कुछ समय के लिए ही उसके लिए या उसके जीवन चक्र के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर परपोषी। फिर नेक्स्ट आता है कवक नाशी। कवकनाशी नाम से स्पष्ट है, कवकनाशी क्या है, कवकों को मारने वाला ऐसा रसायन या ऐसा केमिकल जो हम क्या कहते हैं, कवक को मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं, कवकनाशी कहलाता है, जो कवकों के लिए विषैला होता है, कवकनाशी के लिए। पैथोवर्म, पैथोवर्म, पैथोवर्म वह किस्म होती है, हम ये जैसे जीवाणु की जाति में भी उप विभाजन होता है, जैसे जीवाणु का हम एक एग्जांपल ले लें, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, एक्जेनोपोडिस है ना, ये बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये भी आगे कहां डिवाइड है, आगे ये इसकी जाति है, ये इसका वंश है ना, अब ये भी आगे उप जाति में डिवाइड है,
और उपजाति जो होती है वो स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पौधे को ही इंफेक्ट करती है, स्पेसिफिक पौधे को ही संक्रमित करती है। जैसे इसकी एक जाति है एक्सेनोपोडिस सिट्राई, है ना, ये सिट्राई जो जाति है ये केवल इसको नींबू वाले जो पौधे होते हैं उनको ही, सिट्रस पौधों को ही क्या करती है, संक्रमित करती है। तो हम इस जाति को क्या कहते हैं, पैथोवार कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोवार। जीवाणु के रोगजनक जाति का एक उपवर्जन जो केवल पौधे के एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित करता है हम उसे क्या कहते हैं, पैथोवार कहते हैं। अब रोगजनक, रोग चक्र, है ना, रोग चक्र, ये प्लांट है, प्लांट पर इसने अटैक किया, अटैक करके इसने क्या क्या चीजें खत्म की और कहां तक पहुंचा और इसकी लाइफ साइकिल में क्या हुआ, इसने अपना जीवन चक्र कैसे पूरा किया, तो ये पूरा एक चक्र से चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोग चक्र कहते हैं। रोग के विभाग विकास की सभी घटनाएं का क्रम क्या कहलाता है, रोग चक्र कहलाता है। पहले भी छोटे छोटे धब्बे बने, धीरे धीरे बड़े धब्बे बन गए, पूरा क्लोरोसिस हो गया, ठीक है, हरिमाहीनता हो गई, पूरी पत्ती खत्म हो गई, पत्ती के खत्म होने से धीरे धीरे स्टेम खत्म हो गया, स्टेम के खत्म होने से जड़े खत्म हो गई। तो ये जो चीज है कि पूरा जो इसके रोग की जो घटनाएं हैं इनके विकास का पूरा क्रम जो है उसको हम क्या कहते हैं, रोग चक्र कहते हैं, ठीक है। इसमें रोग चक्र में कि परपोषी के ऊपर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, परपोषी और परजीवी की कौन कौन सी अवस्थाएं आ रही है उसको हम इसमें सम्मिलित करेंगे कि इसके बाद ये हुआ, इसके ये पूरा एक चक्र में चला जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रोग चक्र कहेंगे। फिर आता है सर्वांगी, सर्वांगी, सर्वांगी का मतलब होता है इसको हम कुछ रसायन भी ले सकते हैं या रोग कारक या जीव भी ले सकते हैं, ठीक है। सर्वांगी का मतलब कोई रसायन या रोग कारक अगर संपूर्ण शरीर के अंदर फैल गया हो, है ना, और अंदर जो पौधा है पौधे के अंदर पूरी तरीके से शरीर के अंदर फैलता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वांगी, ठीक है। ऐसे जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है उसे क्या कहते हैं, सर्वांगी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बहुत नाम सुना है, एंटीबायोटिक जीव के खिलाफ, है ना, खिलाफ। अब इसको ऐसे समझने आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं इसको कि कैसे होगा। ये एंटीबायोटिक का मतलब है कि जैसे ये कोई, जैसे एक एक कवक का नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटा, इससे एक एंटीबायोटिक निकाली गई पेनिसिलिन, ठीक है। इस पेनिसिलिन का यूज ये क्या है, कहां से प्राप्त हुई है, जीव, सूक्ष्म जीव से प्राप्त हुई है। और दूसरा है एक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, है ना, ये हमारे शरीर में डिजीज कॉज करता है, ठीक है, रोग फैलाता है। इस रोग को जब ये हमारे अंदर रोग फैलाता है और हमें ये पेनिसिलिन औषधि दी जाती है तब ये रोग ठीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रतिजैविक क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव से बने हुए दूसरे सूक्ष्म जीव, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, जीवाणु है, एक सूक्ष्म जीव के द्वारा बने हुए पदार्थ दूसरे सूक्ष्म जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होते हैं, हम उसे कहते हैं प्रतिजैविक। और लास्ट आता है आपके फाइलोडी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइलोडी मीन्स क्या होता है, पहले भी अपन ने किसी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था कि पुष्प के भाग जो है, पुष्प के भाग किस तरह के हो जाते हैं, पत्ती के जैसे हो जाते हैं, पत्ती के समान हो जाते हैं, पुष्प के भाग कैसे हो जाते हैं, पत्ती के समान हो जाते हैं, लीफ जो होती है, पत्ती जो होती है
पत्ते के समान अगर दिखाई देते हैं तो हम उस रोग को क्या कहते हैं, फाइलोडी कहते हैं। तिल का फाइलोडी रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये तिल का फाइलोडी रोग, फाइलोडी मीन्स क्या होता है, पुष्प के पुष्पीय भाग जो है, जैसे बाएं दलपुंज हुए, दलपुंज हुए, या पुम्बंग हुआ, या जायन हुआ, तो ऐसे पुष्पीय भाग जो है किसके जैसे हो जाते हैं, पत्तियों के जैसे दिखाई देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, फाइलोडी। ये शब्दावली आपकी बुक में दे रखी है, मैंने आपको इसको समझा दिया है, आप एक बार इसको घर पे जरूर रीड करें, आ जाएगी समझ में। छोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत आते हैं, तो आपको आने चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।